नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको UP 3SC पेट की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने 2021 में जो वैकेंसी आई थी पेट के उसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई किए थे और पेपर भी दिए थे, तो आपको रीअप्लाई दूसरी बार कैसे करना है, आपको दूसरा सेकेंड बार आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको अप्लाई करना बताएंगे कि आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म बताएंगे। सर्वप्रथम आना है अपने मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आने के बाद UP 3SC डालकर सर्च कर लेना, जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल साइट जो होती है वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहां से UP 3SC पेट के रिजल्ट चेक कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आप जो है UP 3SC की जो वेबसाइट होती है, जो उसका फर्स्ट ओपन होता है, वेबसाइट का लिंक होता है, कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ यहाँ फर्स्ट में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ जो 2022 पेट की 2022 की वैकेंसी आई है उसके लिए यहाँ कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको पेमेंट कब से कब तक करना है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा, आप कंटिन्यू पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। तो आपको अप्लाई के बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक निर्देश दिया जाएगा पढ़ने के लिए कि आपको जो है आप 2021 में फर्स्ट बार अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ आपको यस करना है। अगर आप सेकेंड बार आप रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई कर रहे हैं पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपको यस कर लेना, उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ एग्री के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एग्री के बटन पे क्लिक करोगे तो जो है आपको जो है अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देने के ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पुरानी डिटेल है, जो पुराने बार आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपकी पुरानी डिटेल यहां पर आ जाएगी, सभी कुछ यहां पर खुल जाएगा। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो है फिर से अपलोड करना पड़ेगा, आपको नई आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। आप कुछ इसी प्रकार से अपना फोटो और सिग्नेचर बना के उसके बाद अपलोड कर लेना, आपको न्यू फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना। उसके बाद फीस पेमेंट भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर लेना। उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड के बटन, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक जितनी भी डिटेल है पुरानी वाली वह सभी एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपको जो है फोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन पे आएंगे, तो फोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो है फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करके उसके बाद अपना जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जो है फी पेमेंट कर देना, उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको निकाल लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्त को कुछ इसी प्रकार से आपको जो है अपना रीअप्लाई अगर करना चाहते हैं दोबारा से, आप जो 2021 में पेट दिए थे वो भी इस बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर पुराने रजिस्ट्रेशन से करोगे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से तो कुछ इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप न्यू अप्लाई करना चाहते हो तो न्यू अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्त यहाँ दोनों ऑप्शन है। अगर आप पुराने से अप्लाई करना चाहते कर सकते हो, नहीं तो न्यू भी अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज के इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर